हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी पे हम किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं और क्या पॉइंट हो सकते हैं। तो बैंक निफ्टी की जो है हम लोग वीकली अपडेट बताने वाले हैं। वीकली मैंने आपको अगली बार भी बोला था अपडेट में, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिला है। और अब हम बात करने वाले हैं उसी के बारे में कि हम किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं और बैंक निफ्टी कहाँ पर और क्या कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर दो पॉइंट बनते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि बैंक निफ्टी एक चैनल पैटर्न में पड़ा हुआ है। जैसे आप यहाँ से देखेंगे तो ये एक पॉइंट हम ले लेते हैं, ठीक है। और अगर हम यहीं पे एक दूसरे पॉइंट की बात कर लें तो दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं इसको लेके, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर हम इसको यहाँ से कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर दिखेगा, बट हम इसको यहाँ से करते हैं। अभी देखिए प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट जब भी अब इसके नीचे कभी मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जैसे देखिए अभी इस चैनल में जब से शुरू हुआ है नीचे आया, फिर यहाँ से फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ से फिर से नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश किया बट गया नहीं, यहीं से फिर से रिटर्न नीचे आया और फिर वो कोशिश कर रहा है, फिर यहाँ पे नीचे आने की कोशिश तो किया लेकिन कुछ दिन तक चलाया, लेकिन इसके बाद ये सबसे मेन पॉइंट है इसका, इसके नीचे मार्केट गया नहीं। इसके नीचे जाएगा तो मार्केट फिर अच्छा खासा डाउनफॉल में जाएगा, पर फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया और नीचे आया। तो यहाँ पर ये इस पैटर्न में काम तो कर ही रहा है। अब उससे बड़ी बात है कि उसके अंदर भी एक पैटर्न उसने बना रखा है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉइंट अब देख रहे हैं, जब ये इसके अंदर में जब ये रनिंग कर रहा है अभी, अगर हम ये बड़े वाले चैनल को अगर एक बार हटा देते हैं तो यहाँ पे हमारे लिए काम आएगा कि जब भी मार्केट एक काम कर रहा है कि जब भी मार्केट इस पॉइंट पे आ रहा। आप देखिए पहले क्या हुआ, यहाँ पे गया नीचे आया। अब नीचे आने के बाद ये मार्केट यहाँ पर रुकने लगा बार बार, तो अब यहाँ पर ये ज़्यादातर वर्क कर रहा है कि जब भी इसके पास जा रहा है तो नीचे की साइड में आ रहा है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तब तो फिर मार्केट आपको धीरे धीरे जो है काफ़ी ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और लेकिन अगर मार्केट यहीं पे रह जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पैटर्न बना रहा है इसने ट्रायंगल पैटर्न के जैसा। अगर ट्रायंगल पैटर्न में अगर ये मार्केट काम करने की कोशिश करता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, या फिर अगर आप देखेंगे तो ये एक नीचे की साइड में भी पैटर्न इसने बना रखा है। यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये नीचे की साइड में भी हमारा एक पैटर्न। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट यहाँ पे जा रहा था तो पहले इसको फॉलो कर रहा था, अब मार्केट नीचे आ गया इसको जब फॉलो करने लगा तो अब यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और नीचे की साइड में एक बार और दो बार इसको टेस्ट कर चुका है। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है तो फिर से ये नीचे की साइड में आएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ से फिर से बाउंस बैक लेगा, या फिर यहाँ से अगर डाउनफॉल मिलेगा। लेकिन डाउनफॉल हमको कब चाहिए, डाउनफॉल चाहिए हमको इसके बाद 40,000 के नीचे जब मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेड करने लगेगा तो फिर इसको यहाँ पे लेके आएगा एक अच्छे फॉल में। तो ये था वीकली अपडेट में। अब इसमें भी देखिए हम लोगों ने बात करी थी कैंडल्स पर, ठीक है, वीकली अपडेट पर भी मैंने आपको कैंडल्स के बारे में बताया था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ध्यान से काम देखिएगा, पहले यहाँ पर ऊपर की साइड में डोजी बना, मार्केट एक्टिवेटेड हुआ, नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट इस हैमर बनाया, ठीक है, नीचे ब्रेक नहीं किया उसको, उसको ऊपर की साइड में निकाला, फिर से मार्केट धीरे धीरे ऊपर की साइड में गया। अब ऊपर की साइड जाने के बाद यहाँ पे इसने डोजी बनाई तो नीचे की साइड में भी ब्रेक किया और ऊपर की साइड में भी अब ब्रेक करके निकल गया। अब ऊपर की साइड में निकला है तो यहाँ पे मार्केट क्या है कि अब कुछ समय तक इसके ऊपर में रहने वाला है, मतलब इसके नीचे मार्केट नहीं आएगा। यानी कि 44,000 मान के चलिए कि 44,880 के नीचे मार्केट नीचे की साइड में क्लोजिंग नहीं देने वाला है, इसके ऊपर में निकलने वाला है। जब इस हाई को निकालेगा मार्केट और फिर इस ट्रेंड लाइन के पास में आएगा तो एक अपसाइड में मोमेंटम हमको बहुत अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे थोड़ी नज़रें बना के रखिएगा कि आपको कौन कौन सी पॉइंट पर चीज़ें ध्यान रखनी है। पहले तो ये ट्रेंड लाइन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिसमें मार्केट काफ़ी टाइम आके रुक रहा है। अगर ये इसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो फिर हमारा फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा, क्योंकि अगर इसको निकाला मार्केट तो फिर डायरेक्टली ये यहाँ पे आता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। तो दो पॉइंट, और अगर यहाँ से निकालता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको 48,000 के आसपास जाता हुआ आपको दिखेगा वो, ठीक है। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीक, थैंक यू।